So, firstly, good morning, my class. And I am your teacher. My name is Surbhi Kumari, and shall we start in my class? Firstly, my class. चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एसएसटी के एक नए टॉपिक जिसका नाम है द आवर मदरलैंड. मदरलैंड, मदरलैंड कहने का मतलब हमारी मातृभूमि, जो कि हमारा कौन है? इंडिया, भारत. भारत को हम लोग बहुत तरीके से जानते हैं, जैसे कि इसका क्षेत्रफल, जैसे भौगोलिक स्थिति, इसमें बहुत सारे अलग अलग बनावट होते हैं उसके तरीके से. आइए हम लोग बताते हैं कुछ भारत के बारे में कि भारत है क्या. सबसे पहले, भारत एक हमारा सबसे सुंदर देश है. इसके अलावा यह एशिया में, इसका एशिया में सातवां देश कहलाता है हमारा भारत. सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां स्थान रखता है. जो इसका जो एरिया है वो कवर करता है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर. इसके साथ साथ इसके फैलाव की अगर हम बात करें तो हमारा भारत उत्तर में नॉर्थ से लेकर साउथ तक एंड ईस्ट टू वेस्ट. तो नॉर्थ हमारा है, नॉर्थ हमारा हिमालयाज एंड साउथ हमारा कन्याकुमारी तक. एंड ईस्टर्न साइड हम लोग कह सकते हैं ईस्ट टू वेस्ट. इस तरीके से ये फैला है चारों ही में. इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं. इससे आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत का लोकेशन कहने को, इसकी स्थिति कैसी है, किधर से कितना दूर फैला हुआ है, कैसे है ये. सबसे पहले हम बता दें कि हमारा जो इंडिया है, वो इंडिया का जो मैप है वो इस तरीके से है. आप लोग सबको पता है इस तरीके से. तो हमारा जो साउदर्न एरिया, साउदर्न एरिया जो कि थ्री साइड पानी से कवर है, जिसके कारण हम लोग इसे इंडियन पेनिनसुलर कहते हैं. इंडियन पेनिनसुलर यानी भारतीय प्रायद्वीप. प्रायद्वीप कहने का मतलब है वैसा क्षेत्र जो तीन ओर पानी से घिरा हो और इसके साथ साथ मेनलैंड से कनेक्टेड हो. जैसे कि हमारा देख रहे भारत वेस्ट साउथ एंड ईस्ट, तीन ओर पानी से घिरा हुआ. और इन तीनों एरियाज को हम लोग, जो ये तीन समुद्री है, इनको नाम देते हैं. ईस्ट में हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल. साउथ में हमारा इंडियन ओशियन एंड लास्ट हमारा वेस्ट में आता है अरेबियन ओशियन. जो हमारा साउथ में इंडियन ओशियन है, उसी के नाम पे हमारे देश इंडिया का नाम रखा गया. इसके साथ साथ हम लोग इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये हमारा पूरा यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसकी जो क्षेत्रफल है वो हमारा है 15,200 किलोमीटर. और इसके साथ साथ कोस्टल लाइन का जो हम लोग बात करें तो कोस्टल लाइन का हमारा आता है 6,100 किलोमीटर लॉन्ग. उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ा स्टेट, जो सबसे बड़ा स्टेट है वो राजस्थान है और छोटा स्टेट हमारा गोवा है. इसके अलावा इसकी फिजिकल यानी भौगोलिक बनावट की बात करें तो हमारे भारत में बहुत सारे स्थित है. जैसे नॉर्दर्न एरिया हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, माउंटेन एरिया है. वेस्टर्न एरिया हम लोग कहते हैं कि हमारा डिजर्ट लैंड है. एंड दिस एरियाज आर प्लेन लैंड एंड देन कोस्टल एरिया, यानी कि हमारा समुद्री किनारा या समुद्री तट. और ठीक इससे आगे बढ़ते हैं, यानी हमारे यहाँ जो श्रीलंका आता है वो हमारा आता है आइलैंड्स में, यानी कि द्वीप में. इस तरीके से हमारा ये फिजिकल फीचर हो गया. इसके बाद अगर हम इसके आगे की बात करें तो पॉलिटिकल डिवीजन. पॉलिटिकल डिवीजन कहने का मतलब है कि राजनीतिक क्षेत्र पे इसके जो बंटवारे हैं, राजनीतिक क्षेत्र पे हम लोग सब जानते हैं कि भारत के टोटल 29 स्टेट पहले हुआ करते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी में मिलाकर इसके बाद हमारा जो स्टेट का संख्या है वो 28 हो गया है. और इसके साथ साथ 7 से हमारा यूनियन टेरिटरी 8 हो गया है. ओके, तो इसके बाद हम लोग जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उसके बारे में आप लोग नेट पे जाकर भी सर्च कर सकते हैं और वहां से भी निकाल कर लिख सकते हैं. इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो इंडियन कैपिटल है, इंडियन कैपिटल यानी कि न्यू दिल्ली, जो कि हमारे भारत की राजधानी है. अब इसके नेबरिंग कंट्री यानी हमारा भारत है, जो कि इसके अगल बगल बहुत सारे देश आते हैं. नेबरिंग कंट्री में जैसे कुछ नेम आपको हम बताए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये इसके नेबरिंग कंट्रीज में आते हैं. इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे भारत में 20 से एक लाइन जाता है, ये 20 से जाने वाली लैटिट्यूड जिसका नाम है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. यानी कि इन क्षेत्रों में आने वाले प्रदेश गर्म होते हैं, जैसे लाइक दैट हमारा राजस्थान एंड गुजरात. और ये हमारे भारत के ठीक बीचों बीच से होकर गुजरती है. इसके अलावा जो हमारा दक्षिणी ट्रिप है, यानी ये साउदर्न ट्रिप है, जिसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ये क्षेत्र. ठीक है, इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो कि हमारे भारत के बारे में था, उसकी हमने एक छोटी समरी बांधी है, जिसे आपको हमने बताया है कि हमारे भारत में
किस तरीके से ये भारत कहां से कहां तक फैला है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी लंबाई क्या है, इसका समुद्र का किनारा का क्षेत्रफल क्या है, इसके अलावा ये जो भारत है वो तीनों पानियों से घिरा है जिसमें कि बे ऑफ बंगाल ईस्ट है, साउथ में हमारा इंडियन ओशियन एंड वेस्ट में हमारा अरेबियन ओशियन आता है। इसके अलावा हम लोगों ने बताया है कि जो हमारा सबसे बड़ा स्टेट राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट हमारा आ गया गोवा। लेकिन अगर हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के क्षेत्रफल से हमारा ये सबसे बड़ा स्टेट हमारा यूपी आता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें भारत के बारे में तो भारत में बहुत कुछ बताने लायक है। भारत उस वाला की भारत का जो बनावट है, यहाँ पे बहुत सारे हमें पेड़ पौधे, इसके अलावा जो डिजर्ट लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, माउंटेन लैंड है, प्लेन लैंड है, डिजर्ट लैंड है, इसके अलावा आइलैंड्स एंड कोस्टल लैंड्स, ये सारे इसकी भौगोलिक यानी कि भौगोलिक यानी फिजिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। इस तरीके से भारत को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर बांटकर एक संपूर्ण भारत का निर्माण किया गया जिसमें कि विभिन्न प्रजाति के और विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं और इसके साथ एक साथ मिलकर सर्वाइव करते हैं। चलिए आज के वीडियो के लिए हम लोग थैंक यू कहते हैं और प्लीज इसे पढ़िए और समझिए और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए गए उसको प्लीज आप लोग हल करिए जिसका डेटा आपको पीडीएफ में अवेलेबल कराया गया है। दिए गए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए और जो चैप्टर मैंने डिस्क्राइब किया उसको समझते हुए उसका आंसर दीजिए। थैंक यू।